हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जा रहा हूँ पटना। तो बेसिकली मैंने अपना जो जर्नी है वो शुरू किया है लेखराज लखनऊ से, और अभी हम लोग हैं SCL के पास, और हम लोग अभी जाएंगे पटना बाय रोड। और ये रही मेरी गाड़ी, ये देखिए, और ये देखिए सामने SCL ऑफिस है। हाँ, तो हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे से होकर जा रहे हैं, और ये करीबन 350 के आसपास का हाईवे है, और सीधा ये बक्सर पे ख़त्म होगा। तो चलिए चलते हैं पटना पूर्वांचल एक्सप्रेस होते हुए। टाइगर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे हम लोग निकले हैं, और ये देखिए सामने ये SCL ऑफिस है। रूट है ना, बहुत ही खूबसूरत। तो अभी हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंच गए हैं, और बहुत ही स्मूथ है, बड़ा मज़ा आ रहा है। लेकिन ज़्यादा स्पीड में नहीं जा सकते क्योंकि नई गाड़ी है, तो ऐसे ही 80 और 90 के बीच में मैं क्रूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, देख सकते हो आप, आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, ट्रैफिक तो दिखता ही नहीं है बिल्कुल, बस चले जा रहे हैं। तो ये करीबन 365 के आसपास का ये स्ट्रेच है पूरा, और बीच बीच में आपको बहुत कुछ मिलता रहेगा। तो अभी टोल गेट आने वाला है, पहला टोल गेट, तो चलिए चलते हैं। अभी आपने ये भी तो लगवाया ना, वो तो फास्टैग, तो गाड़ी जब नया लेते हैं तो उसमें मिल ही जाता है। पीछे रिंकू दी बैठी हुई है आराम से। ऑलमोस्ट कितना टोल टैक्स लग जाएगा यहाँ से पटना तक? कुछ 865 के आसपास लिखा हुआ था गूगल पे मैप में। बिल्कुल खाली है ना, ये फर्स्ट टोल टैक्स। अपने आप वो तो फुल ऑटोमेटिक होता है। भैया गजब, मजा आ गया। पहले तो लगता था कि यहाँ कुछ देना लेना होता था, अब तो कुछ हुआ ही नहीं, लगा ही नहीं कि हम लोग को रुकना पड़ा बीच में। तो अभी हम लोग फर्स्ट टोल गेट मिला, वो क्रॉस किया है। अगर आप रोड देखोगे तो थ्री लेन है, जो मिडिल वाला है वो है लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए, और इस रूट पे आपको 100 किलोमीटर पर स्पीड का लिमिट दिया हुआ है। और जो साइड में है मेरे लेफ्ट में, जो इधर से देखोगे लेफ्ट साइड का पहला है, वो हेवी व्हीकल्स के लिए है, तो जिसमें ट्रक वगैरह चलती हैं, और बीच में छोटी गाड़ियों के लिए है, और साइड में हाई स्पीड के लिए है, बट वो भी 100 के ऊपर नहीं जा सकती। एक्चुअली वो राइट वाला जो है वो ओवरटेक करने के लिए है, इसलिए बीच में ही रहना है अपने को। तो हम लोगों ने एक स्मॉल ब्रेक लिया है, 5 से 7 मिनट का रिफ्रेशमेंट के लिए। तो ये आप देख सकते हो एक HP का पेट्रोल पंप है, तो इसमें सारी सुविधाएं हैं, रेस्ट रूम भी अच्छा था, और यहाँ पे आप रिफ्यूल भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है, और ये रहा पूर्वांचल एक्सप्रेस, वापस हम लोग उसी के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये है पूरा, और क्रूज़ कंट्रोल पे रख दिया है क्योंकि 100 के ऊपर नहीं जा सकते, तो मैंने 95 पे सेट किया है क्रूज़ कंट्रोल स्पीड लिमिट। तो अपने एकदम बड़ा मज़ा आ रहा है, एकदम स्मूथ चल रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए मेरी गाड़ी, अब यहाँ पे एयर भी ले सकते हो। तो मेरी गाड़ी में तो नाइट्रोजन लगता है, तो अभी ठीक है, अच्छा है, कूल है एकदम। तो
चलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लिया तो चलते हैं बाहर, थोड़ा सा गर्मी है तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे जाके कुछ रेस्टोरेंट मिलेगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत खाना या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ पिएंगे। अभी तो देख सकते हो अभी हम लोग वो लोकेशन पे आए हैं जहाँ पे रोड के बीचों बीच रनवे बना हुआ है जो फाइटर प्लेन्स के लिए इमरजेंसी में लैंडिंग करने की, ये देखिए। तो इसके बीच में ना आप देखो डिवाइडर है तो हुक लगा हुआ है, तो हुक से ना सभी साइड में हो जाएगा और दोनों तरफ रोड ब्लॉक करके, तो ये है रनवे, यहाँ पे प्लेन उतरेंगे इमरजेंसी के टाइम पे, अगर इन केस कभी वॉर हो गया चाहे कुछ भी ऐसा इमरजेंसी के लिए। ये देख रही है ना डिवाइडर देख रही है, ये सिर्फ रखा हुआ है, हुक लगा हुआ देखिए ऐसे करके, तो सब साइड में हट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ प्लेन लैंड करेगा यहाँ पे। तो अभी हम लोग एक 15-20 मिनट का ब्रेक लेंगे, खाना वाना खा लेते हैं, लंच का टाइम हो गया है तो खाना घर से ही लेके आए हैं, तो हम कहीं ढाबे वाबे पे नहीं रुक रहे हैं, बगल में यहाँ पे पेट्रोल पंप है तो हम लोग बाहर ही है, यहीं पे रुक गए हैं और खाना वाना खाएंगे, फिर खाना खाने के बाद आगे करीबन 200 किलोमीटर के ऊपर हम लोग क्रॉस ऑलरेडी कर चुके हैं पटना की तरफ जाने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे इस व्लॉग को। ये देखिए इस तरफ, यहाँ से अभी जो गाजीपुर है वो 80 किलोमीटर दिखा रहा था और देखो यहाँ पे इस तरफ बारिश हुई है, रोड भीगी हुई है। अभी थोड़ा सा ऐसे ही बस टी ब्रेक और कह सकते हो पानी वाला ब्रेक हम लोगों ने लिया है और पूरा चारों तरफ ये देखिए कितना बढ़िया है, एकदम खेती खेत है रोड पे। दैट्स माय टाइगर, आई मीन माय टाइगर। और ये है पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे है, बस इन लोगों को देखो तो बस यहाँ पे आते ही नेल पॉलिश चालू हो गया है घर से नहीं करके आए थे तो रास्ते में यहीं पे रुक के कर रहे हैं। ये रिफ्रेशमेंट पॉइंट है, यहाँ पे चाय कॉफ़ी वगैरह मिलता है यहाँ पे। तो अभी हम लोग एक्चुअली बक्सर पहुँचने वाले हैं, बक्सर पहुँचने के लिए मेरे ख्याल से और 40 या 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, उसके फिर बाद फिर पटना 120 किलोमीटर 25 किलोमीटर। ये देखो मैं बीच में भगा रहा हूँ, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे गुलाब के फूल लगाए हुए हैं यार, है ना तन्नो, गुलाब के फूल यहाँ पे। आइए हम आपको गांव का, पता नहीं कोई गांव ही है, गांव का खेत देखिए, वाह ये देखिए कितना सुंदर है। हमारा गांव भी ऐसा है, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, दोनों तरफ खेत बीच में रोड, इसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी है। देखो कुछ लोग गांव वाले अब काम कर रहे हैं खेतों में, नहीं पूरा घेरा रहता है ना क्योंकि ये एक्सप्रेस हाईवे है ना, तो देखो यहाँ पे बाउंड्रीज लगे हुए हैं, पूरा फेंसिंग होता है कि कोई भी इंसान अचानक, हाँ चाहे जानवर भी ना आ पाए। रिंकू दी वहाँ बैठी हुई हैं, तो अभी थोड़ा 5 मिनट हम लोग 5 मिनट हम लोग यहाँ पर बैठेंगे रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। तो अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस का पहला एंट्री हुआ था उधर लखनऊ में टोल गेट, अभी यहाँ पे है एक टोल गेट, टोल प्लाज़ा जो भी कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस का। ये देखिए सनसेट हो रहा है,
तो अभी ऐसा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस में आपको जब आप सीधा आओगे तो वहाँ पे आपको एक डाइवर्जन मिलेगा लेफ्ट की तरफ जो बक्सर की ओर जाएगा, तो वहाँ से हम लोग नीचे उतर चुके हैं अभी। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस ख़त्म हो गया, अभी आगे हैं तो सिंगल रोड है अभी ऐसा वाला है। अभी यहाँ से बहुत ट्रैफिक मिलेगा, तो अभी यहाँ पे एकदम बिल्कुल लोकल अभी ट्रैफिक है, तो अब थोड़ा टाइम लग सकता है। पूर्वांचल से उतर चुके हैं हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे से, और अभी ये लोकल सिंगल रोड है, डबल रोड ही है बट ओके। अभी रुके हैं यहाँ पे, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा चाय पी के फिर निकलते हैं। हाँ तो हम लोग चाय पी के निकल चुके थे वहाँ से, अभी हम लोग बक्सर की तरफ जा रहे हैं जो कि एक गंगा नदी क्रॉस करना पड़ता है। ये देखिए, बक्सर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। तो बक्सर की तरफ हम लोग एंट्री कर चुके हैं अभी। अब यहाँ से करीबन 125 किलोमीटर है पटना, तो समझ के चलिए कि 8:30-9 बज जाएगा। अभी टाइम हो रहा है सनसेट नहीं दिख रहा है, 5:30-5:30 बज रहे हैं। तो अभी एक और टोल आ गया है, ये क्या मेरे ख्याल से अभी शुरू नहीं हुआ है या पता नहीं मेरे को। उधर मैनुअल था क्या? हाँ नहीं, उस चीज़ का फास्टैग नहीं है उधर ऐसे। यहाँ पे पता नहीं लाइट क्यों नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार चोर है। जब से पलटी मारा है ना, तब पहले तो चोर था, अभी चोट्टा बन गया है। ये समझ में आता है। तो देखिए, इन लोगों ने ही कमेंट्स में बताया है कि नीतीश कुमार अब आ गया, के बारे में नदी का ब्रिज आएगा वाला। राह देख रही है ना? हाँ। अगर लेफ्ट जाओगी ना तो फेमस जो लड्डू है मनेर का लड्डू, तो हाँ। मनेर चली जाओगी, और राइट जाओगी तो बिक्रमगंज और सीधा पटना। ये बीहटा चौराहा है, बीहटा मार्केट है। हाँ। हाँ। और राइट जाओगे तो वो बीहटा का IIT, और यहीं पे बनना है पटना का नया एयरपोर्ट, जो बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। हाँ। तो ये अगर एयरपोर्ट बन गया तो रोड भी चौड़ा हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा।